हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मिलेट क्या है वो जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फॉक्सटेल मिलेट है। मैंने रात को 8 घंटे तक भिगो दिया था और सुबह में थोड़ा सा बनाया था। अभी शाम के लिए ये थोड़ा सा रखा है, तो अभी मैं उसको मिक्स वेजिटेबल डाल के बनाने वाली हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़े से गार्लिक और मिर्च की पेस्ट डाल रही हूँ। ये सब मिलेट आप अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। आपको जो भी जैसे अच्छा लगे वैसे पुलाव बना के खा सकते हैं, वैसे दाल के साथ भी खा सकते हैं और कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं। और इसके सब मिलेट का हम रोटी भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देख सकते हो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम ये सब वेजिटेबल डाल देंगे। अभी 1-2 मिनट हम उसे चलाएंगे। देख सकते हो अभी थोड़ा सा पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप मिलेट के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और बताइए। अभी मैंने 15 दिन पहले ही मिलेट अभी चालू किया है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। और आपको डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, कुछ भी हो आपको, तो इसे खाने से आपका डायबिटीज़ भी क्योर हो जाएगा और थायराइड भी। लेकिन उसके साथ में हम रोटी और चावल नहीं खाने वाले हैं। अभी सुबह और शाम को हम ये अलग अलग मिलेट्स ही खा रही हूँ। अभी मेरे डाइट में यही चल रहा है, सुबह को सलाद, जूस और शाम को मिलेट। अलग अलग मिलेट आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये हम थोड़े मसाले डालेंगे, थोड़ा सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, धनिया पाउडर भी मिक्स कर देंगे। आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। खाने में भी अच्छा है, पचने में भी अच्छा है और अपने टेस्ट में भी अच्छा है। एक बार चख के देखो। सकते हो अभी थोड़ा सा सौते हो गया है। ज़्यादा मैं पकने नहीं देती हूँ, थोड़ा कच्चा ही रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्ची सब्जियाँ। और अभी हम मिलेट डाल देंगे। अभी हम मिक्स कर देंगे। अभी लास्ट में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक तो फ्रेंड्स, ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।